आज ऐसे कई राज्य हैं जहां पर ऑफिशियली बाढ़ काल डिक्लेयर किया गया है। देखिए 10 राज्यों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन सब के बीच पहाड़ी इलाकों में कुदरत की दहाड़ दिखाई दे रही है। जम्मू से लेकर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में पानी लोगों को सब कुछ छीनने पर आमदा है। साउथ इंडिया में भी मानसूनी बारिश टॉप गियर लगा चुकी है। तस्वीर हम आप जिस वक्त दिल्ली की बारिश #DelhiRains सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, उसी दौरान देश के अलग अलग राज्यों से बाढ़ लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीरें भी लोगों के दिलों में खौफ भर रही थी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ये सेक्शन सही सलामत था। लैंडस्लाइड का मलबा निकल रहा था लेकिन कुछ ही पलों बाद पूरी की पूरी सड़क में पाताल समाधि ले। बारिश के बाद रोड बह गई। गनीमत रही कि इस दौरान वहां कोई यात्री नहीं था। इस हादसे के बाद मुगल रोड ब्लॉक हो गया। इस बीच दक्षिण कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन रोकी गई। हिमाचल में सैलाब ने कैसी तबाही मचाई, ये तस्वीर उसकी बानगी भर है। कसौली से लेकर सिरमौर तक आफत कई गुना बढ़ चुकी है। पहाड़ों से पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ अचानक दरक रहे हैं। कसौली में तो आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए। वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले 48 घंटे हिमाचल पर भारी है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल सिचुएशन ये है कि हिमाचल में करीब 100 सड़कों पर आवाजाही बंद है। 73 योजनाओं पर बारिश का असर पड़ा है। ये फोरकास्ट हमने भेज दिया, उनको हमने अलर्ट जो है जारी कर दिया है और इससे प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह की सिचुएशन एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बनी हुई है। यहाँ बारिश आफत बनकर बरसी है। जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते सड़कें टूटी हुई हैं। एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। बारिश के चलते चंपावत जिले में टनकपुर पिथौरागढ़ की मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा धस गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद से ग्राउंड पर क्या स्थिति है दिखाने के लिए एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मौजूद हैं और बीती रात जो बारिश हुई है उसके बाद से स्थिति देखिए कि एक मुख्य सड़क है जो टनकपुर को चंपावत और पिथौरागढ़ से जोड़ती है, उस सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा टूट कर गिर चुका है और एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर आपको नजर आएगा। मौसम की मार ऐसी पड़ी कि उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई हैं। अगले कुछ दिनों तक सैलाबी सितम का कोड रेड यहां जारी रहने वाला है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर यूपी तक 9 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इधर असम में अब भी हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। साउथ के कई स्टेट भी पानी की मार झेलने को मजबूर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।